बैरिया विधानसभा क्षेत्र की पूज्य जनता को सादर अभिवादन एवं अभिनंदन है। मैं आज एक विशेष अपील करने के लिए आप सबके सम्मुख आया हूं। अपील इसलिए कि कल प्रजातांत्रिक भारत में व्यवस्था जो चल रही है और राष्ट्र निर्माण का ये महापर्व चुनाव होता है, इस महापर्व में बैरिया विधानसभा क्षेत्र भी अपनी भूमिका श्रेष्ठ रूप में और मजबूत रूप में प्रदर्शित करे, इसके लिए आप सबसे मैं अपील करना चाहता हूं कि कल भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और भारतीय राजनीति में बलिया के मानक व्यक्तित्व आदरणीय स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के सुपुत्र आदरणीय नीरज शेखर जी भाजपा के प्रत्याशी के रूप में कल नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन का कार्यक्रम एक तरह से चुनाव का प्रथम शक्ति प्रदर्शन का अवसर होता है। पूज्य लोगों, जहां देश के महान नेता आदरणीय मोदी जी और प्रदेश के साधक के रूप में समाज की सेवा करने के लिए निकले मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को कल एक संदेश देने का अवसर है कि राष्ट्र निर्माण में बलिया बलिदान दिया है, राष्ट्र निर्माण में बलिया अपने स्वाभिमान की रक्षा भी किया है। बलिया किसी भी समय जब राष्ट्र के निर्माण की बात आती है तो उस समय अपने को आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। सम्मानित लोगों, ये हम सबका सौभाग्य है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व चुनाव लड़ रहे हैं आदरणीय नीरज शेखर जी, जिनके नेतृत्व में बलिया पूर्ण विकसित बलिया बनेगा, ऐसा मेरा भरोसा है। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के क्षेत्र में आदरणीय मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ, पूर्वांचल के किसी भी क्षेत्र में विकास उतना नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और महान नेता आदरणीय मोदी जी के सबसे विश्वासपात्र के रूप में एक नैतिक और चरित्रवान महान नेता आदरणीय मनोज सिन्हा जी को जो स्नेह और सम्मान प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिला, शायद अन्य किसी भी क्षेत्र के नेता को नहीं मिला। और दूसरा संयोग और सौभाग्य बलिया को मिल रहा है कि जब आदरणीय मोदी जी ने सपा और बसपा के गंदी मानसिकता में राजनीति करने के बाद ही जो अपने राजनीतिक जीवन को बेदाग प्रमाणित किया है, ऐसा संवेदनशील और गतिशील प्रत्याशी आदरणीय नीरज शेखर जी को मोदी जी ने पहचाना और पहचान करके, क्योंकि राजनीति के जौहरी इस समय के रूप में हम आदरणीय मोदी जी को मानते हैं, तो आदरणीय योगी जी और मोदी जी राजनीति के जौहरी हैं, तो जौहरी हमेशा हीरा पहचानता है, तो हीरे का पहचान जौहरी करता है। तो और मोदी जी ने राजनीतिक बलिया के राजनीतिक हीरे के रूप में आदरणीय नीरज शेखर जी को चिन्हित करके हम सबके बीच में भेजा है। कल उनका नामांकन है। नामांकन को ऐसा ऐतिहासिक बनाया जाए कि बलिया के गरिमा के अनुरूप हो। बलिया हमेशा बलिदान और अपने बलिया के सम्मान के लिए कभी भी अपने को पीछे नहीं रखता, बल्कि दुनिया को दर्शाता है कि जहां भारत और राष्ट्र बनाने की बात होगी उसमें बलिया भी अपने को पीछे नहीं रख सकता। आदरणीय चंद्रशेखर जी का बलिया है, आदरणीय चित्तू पांडे मंगल पांडे जी का बलिया है, तो इस बलिया को फिर से एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमारे नेता ने, हमारे श्रेष्ठ नेताओं ने आदरणीय नीरज जी को इस बागडोर को संभालने के लिए जिम्मेवारी दी है। पूज्य लोगों, सपा के प्रत्याशी के रूप में एक यहां आने वाले हैं, आ रहे हैं सनातन पांडे जी। आप सोच सकते हैं, पढ़े लिखे आप हैं बलिया के लोगों, कि सपा समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वेतन भोगी हो सकता है लेकिन कर्मयोगी नीरज जी जैसा नहीं हो सकता है। यह वेतन भोगी आप देखे होंगे कि बैरिया विधानसभा क्षेत्र में भी विधायक लोगों ने बनाया है, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि वो वेतन भोगी नेता हो सकते हैं लेकिन कर्मयोगी नेता बनने का सौभाग्य उनको प्राप्त नहीं होगा, जीवन में कभी नहीं होगा। यही स्थिति बलिया में भी देखने को मिल रही है। एक तरफ ऐसे नेता है जो केवल परिवार की चिंता करते हैं लोग, और एक ऐसा नेता आदरणीय नीरज शेखर जी हैं
जो जीवन में कभी भी अपने लिए नहीं केवल बलिया और बलिया के विकास के लिए जीवन जिया है, और ऐसा सौभाग्य परमात्मा ने पुनः एक बलिया बार बलिया को दिया है कि पार्टी अच्छी, प्रत्याशी अच्छा और परिस्थिति अच्छी, जहां तीनों अच्छा जुटा हो तो वहां बलिया के प्रतीक बच्चा बच्चा का धर्म है कि बाली बागी बलिया, बलिदानी बलिया अपने स्वाभिमान को राष्ट्रीय स्तर पर, ऊंचे स्तर पर पहुंचाने के लिए कल के नामांकन कार्यक्रम को ऐतिहासिक, ऐसा ऐतिहासिक बनाया जाए कि दुनिया फिर एक बार देखे कि बागी बलिया की धरती के सम्मान और प्रतिष्ठा के अनुरूप चंद्रशेखर जी के बाद कोई नेता मिला है। तो आदरणीय नीरज शेखर जी मिले हैं और अपनी गरिमा की रक्षा करने के लिए कल सब लोग बैरिया विधानसभा क्षेत्र के सभी समस्त अपने शुभचिंतकों, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं से मैं अपील करता हूं कि कल का दिन भारत निर्माण के यज्ञ में अपना पूरा समय नामांकन के लिए देने का कष्ट करें, और कल आठ बजे प्रातः देवराज ब्रह्म स्थान से रैली का, नामांकन रैली का विशालतम जो स्वरूप आप सबको देखने को मिलेगा। जो भी बंधु जहां से हैं कल 8 बजे बैरिया इकट्ठा हों, और प्रातः 8 बजे हम लोग यहां से बलिया के लिए प्रस्थान करेंगे। बीच में बलिया से लेकर के दुबहर तक जितने भी हमारे शुभचिंतकों का गांव पड़ता है, उन सबसे मेरी प्रार्थना है कि आपको साधन यदि मिल जाए तो साधन करके आप जरूर वहीं पर रहेंगे और काफिले में शामिल हो जाएंगे। यदि जिसके पास साधन न मिले तो तनिक भी मन में निराशा मत रखिएगा, हमारा काफिला जाएगा और अपने परिवार के, भाजपा परिवार के समस्त लोगों को आप रोड पर रहिए, और रोड पर मोदी जिंदाबाद और योगी जिंदाबाद के साहसिक नारों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा काफिला यहां से जाएगा पूरे अपने परिवार के और कार्यकर्ताओं को उसी साधन में अपने को एक साथ रख करके हम लोग बलिया को कल दिखाएंगे कि पांचों विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा यदि कहीं ऊर्जा का, ताकत का प्रदर्शन देखने को कल मिलेगा तो बैरिया विधानसभा क्षेत्र से मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए कल का दिन देश के नाम, कल का दिन मोदी के नाम, कल का दिन योगी जी के नाम, कल का दिन बलिया के प्रतिष्ठा के नाम, कल का दिन आदरणीय नीरज शेखर को फिर से सांसद बनाने के नाम, इतना ही करते अपनी बात को रुकता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद।